কি জামুন, জেনা কি জামুন, اپنے لیے خود ہی جگہ بنا لو۔ یہ تو ایک گزرگاہ ہے جہاں ہر بندہ مختصر عرصے کے لیے قیام کرتا ہے اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چل پڑتا ہے۔ نہیں چھوڑوں گا، بیٹھے رہو تم۔ آخر کوئی روکتا کیوں نہیں اسے؟ ضرورت نہیں، ابھی ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ختم ہو ہی جائے گا، یا تو بیچارہ موت کے ہاتھوں یا زخمی ہو کر۔ میرا مشورہ ہے کہ تم فضول میں پریشان مت ہو، ہر ایک کو بالآخر کسی نہ کسی طرح مرنا ہی ہے۔ بس ختم کریں یہ جھگڑا، اس بیچارے کو اتنا مت ماریں۔ تم بیچ میں مت آؤ برخوردار، ورنہ اس کی جگہ وہ تمہیں بھی مارنے لگے گا۔ برخوردار، تم بڑوں کے معاملات میں دخل مت دو۔ اب بس کرو، اس بیچارے میں تمہاری مار سہنے کی سکت نہیں ہے۔ اتنی ضرورت نہیں کہ مجھے روک سکے۔ چھوڑو برخوردار، تم اپنی خیر مناؤ۔ آخر یہ انسان ہیں، ان سے لاپرواہی کیسے برتی جا سکتی ہے؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اب ختم کر رہی ہے اس لڑائی جھگڑے کو۔ کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ ختم کر رہی ہے لڑائی جھگڑا۔ لو اسے دیکھو، مینکی کو بھی زکام ہوا ہے، خامخا اب مجھے مار۔ آرام سے، میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ۔ آرام سے، میں نے کہا آرام سے۔ میرا ہاتھ چھوڑو، سکون ہو جاؤ، جب ٹھنڈے ہو جاؤ گے تو چھوڑ دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دو، بشرط یہ کہ پھر نہیں جھگڑو گے۔ میرا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میرا ارادہ ہے۔ کہانا بس کرو۔ بڑا سورما سمجھتے ہو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں پرسکون ہو جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان قیدیوں سے لڑنا نہیں، آئے دیر نہیں ہوئی کہ شروع کر دیا۔ میرا مقصد جھگڑا ختم کروانا تھا، جھگڑنا نہیں۔ اگر یہ نوجوان نہ ہوتا تو نینے خان مجھے مار ہی ڈالتا۔ تو تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ قیدی ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں اور تم لوگ بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے ہو۔ آج کے بعد جو بھی زندان میں لڑے جھگڑے گا اور بدبنی پھیلائے گا، وہ خود کو 100 کوڑوں کے لیے تیار کر لے۔
नैनीपर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है इसे 100 कोड़े और युधारतीत को 50 कोड़े मारे। बात को बर्दाश्त कर अब आया ना असर हरी, तुमने देखा नहीं किस तरह नैनी पर कप्तान के सामने बैठ गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल दो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली, अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलहदा कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो यहाँ? क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे युजारसीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाबे पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अतहत न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे? वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दमुन ने उसे सजा दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म मुझे आती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ, वो निगहबान कसर पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जंदान ने उसकी इसलाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातिह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहार पशेमानी ना की, मानो हुजूर इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्ज़ मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आजादी और नाज़ो नेमत की कदरों की मत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैसे रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह।
उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदाबंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तू उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आजादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, जंदान की सख्तियों और अजियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतिफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत जहमतें उठाई हैं, मैंने उन्हें माफ किया, तू भी उन्हें माफ फरमा और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इसलाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म ज्यादती का। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बायस बना था। कस्र पुतिफार, खजाना है कस्र, कुछ याद आया? कैसे भूल सकता हूँ, मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा, मुझसे बचकर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं, खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नेनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है, इनका जुर्म क्या है, इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए, यकीनन इनका जुर्म संगीन हो। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों। No.
तुम्हारे बीवी बच्चों को क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाहली ना होती तो अमून होता अब तक मर चुके होते और हम दोनों ही आला औहदों पर फाइज हो चुके होते और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमून होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा? और तब हम आजाद हो जाएंगे, मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीक जुर्म है जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो, बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जू ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो, तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो, मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर, हाँ पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनरोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। افسوس کہ نہ امون ہوتب اور نہ ہی ان کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آیا ہے۔ عالی جناب، آپ کو کس کی بھی کچھ خیر خبر نہیں ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ وہ غائب ہے؟ عالی جناب، جیسے اسے آسمان کھا گیا ہو یا زمین نکل گئی ہو۔ اسے تلاش کرنا ہوگا، پہلے قص کے زندانوں میں۔ اگر وہ گرفتار ہو گیا تو کسی صورت میں بھی اس کی زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ جہاں کہیں اس کا سراغ ملے اسے وہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر۔ بصورت دیگر اگر آمون کو پتا چل گیا کہ یہ اقدام قتل ہماری جانب سے تھا تو جانتے ہو کیا قیامت کھڑی ہوگی۔ اب تک اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابھی کسی کو بھی اصل معاملے کی خبر نہیں۔ اور اگر آپو پیس گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے اب تک منہ نہیں کھولا ہے۔ آپ فکر نہ کریں علی جناب، اسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو، جہاں بھی ہو ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ نیمی صاحبو، نیمی صاحب، جی 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 علی جناب، یہ کیا ہے؟ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہا ہوں جزار صاحب کے لیے۔ یہ بھی میری طرف سے ایک ادام ان کو دینا اور اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جزار صاحب کو نہایت عظیم و محترم رکھیں اور عمر زندان کی اصلاحات کے زمن میں ان سے بہر امن ہوں، کیونکہ وہ اس کم عمری کے باوجود نہایت ہی ماہر و تجربہ کار اور دانا و حکیم ہے۔ جی ضرور ضرور علی جناب، ضرور ضرور۔
अंदर आ जाओ। रुदम, उनको मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार शीफ के लिए। यह जंदान है, कसरे पुतिफार या इस तरह आदगा नहीं। लेकिन चूंकि रुदामून ने यह भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार शीफ को ले आओ। युजार शीफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार शीफ जनाबी किदामून, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूँ। गलती कर रहे हो, मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा, सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसरे पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहां तो लगता है कि तमाम साकिनी ने कसर ही युजार शीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपास गुजार हूं। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामून को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामून ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहम व फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जंदान की हालत इजार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामून की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाजत फरमाएं तो कुछ असलाहत अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत खत्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत खत्म करने में? हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही खत्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत और इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे संदान की सख्तियां झेलनी पड़ी और मैं इसका बदला लेकर जाऊंगा। अगर चोरी न करते तो जंदान में भी ना आते। बेहतर होगा अपनी इसलाह कर लो। मैं
یہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر کیوں یہاں کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے؟ اگر یہ جگہ زیادہ ہی صاف ستھری ہو گئی تو پھر کس کم وقت کا یہاں سے جانے کو دل چاہے گا؟ یہ زندان ہے، نہ تو ہم مہمان ہیں اور نہ یہ مہمان سرا. اصل میں ہم سب یہاں مہمان ہی ہیں، نہ صرف اس قید خانے میں بلکہ اس دنیا میں بھی، جہاں ہمیں کچھ عرصے رہ کر چلے جانا ہے. اس دنیا یا قید خانے میں عارضی قیام کو جواز بنا کر ہمارا اس آلودہ و متعفن زندگی پر سمجھوتا کر لینا مناسب نہیں. رودامون معاف کیجیے گا جناب، رودامون وہ مجھ سے ملے، میں بھی ان سے ملا، یوزار سنگھ کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے تو چند دنوں میں ہی داروغہ زندان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. آپ کا خط بھی جناب کیدامون کی خدمت میں پہنچا دیا ہے. اچھا، انہوں نے یوزار سنگھ کو وہیں اپنے پاس بلوایا. یوزار سنگھ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھ سے محبت سے پیش آئے. وہ قید ہونے پر رنجیدہ نہیں تھے؟ رنجیدہ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے. کہہ رہے تھے زندان زاویرہ زندان زلیخا سے بہتر ہے. غالباً کاری ماما کو مجھ سے کچھ کام ہے. نہیں، بس یوزار سیف کے بارے میں پوچھنا تھا، سو جواب مل گیا. غلط ہو گیا نا؟ اتنا بھی نہیں، فکر مت کرو. اب یہ جا کر بانو زلیخا کو سب کچھ بتائے گی اور تب بانو کا غصہ قابل دید ہوگا. زندان زاویرہ زندان زلیخا سے بہتر. میں زندان زاویرہ کو تمہارے لیے جہنم بنا دوں گی تاکہ تم ہر روز ہزار بار زلیخا کے استبل میں زندگی گزارنے کی آرزو کرو. تمہیں دکھا دوں گی، دیکھ لیں گے. لکھو، اب میرا یہ قصر زندان زاویرہ سے بھی بدتر ہو گیا. آپ میرا یہ نہیں احمق، یہ مت لکھو. معافی چاہتی ہوں بانو حضور. لکھو،
लिखो कि युवराज सिंह को जंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो तायब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूलतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म दूली की जरूरत ना कर सके। युवराज सिंह जंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युवराज सिंह परवासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताज जरूर होगी। युजार सिंह, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहां से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफी होगा कि युजार सिंह उनकी अताहत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आजादी और राहत से कहीं ज्यादा पसंद करता हूं। इस जंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेशे नजर बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करूं। जनाबे किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूं? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेस, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं आपने? निगेबान मोहतरम, दुरूद हो आप पर। वो आप ऑफिस जनाब फरमारवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहां रखा और फिर यहां से ले गए। ले गए कहां? उसने क्या किया था जो उसे यहां लाए थे? पता नहीं जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? वो दो अफराद थे, आपूपीस और बिनारूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहां मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। दो माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील और पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जब कि तुम मुसीबत में हो तो वो सगुन में चूर हैं। अरे
बस करें, क्या हो गया आप लोगों को? जंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे, ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है, इतने आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये दो माह होने को आए लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबरगिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शरीक जुम्मन साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होकर लेकिन मैं नहीं, ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतिफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए, वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इकदाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक्य के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अब भी पूरी उम्मीद हूं। हाँ, अब भी पूरी उम्मीद हूं। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है ये साजिश महाबद आमून की जानिब से हुई है और आप उपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग नहायत बेरहम और संग दिल हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तुम्हारा मोहतात होना बजा है, अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए, अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आत्माहू और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की अहानत करना हरगिज नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईदा ज़क्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युजारसीफ हूं मैं। युजारसीफ, पेशकार पुतिफार, वही सुलेखा के माशके वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की जरूरत है, इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, पत्थर की कान पे जाना है, सब बना ले, इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे, कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं? उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी।
کیونکہ وہ آخری دنوں میں مسلسل آپ کے اور جناب آخماہوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. مثلاً کیا کہہ رہا تھا؟ کیا معلوم، بس کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، ہمارے حالات اور آپو پیس کا عہدہ بدلنے والا ہے. کچھ اندازہ ہے کہاں گیا ہوگا وہ؟ نہیں جانتی، نہیں جانتی. مجھے تو توقع تھی کہ آپ مابت والوں کو کچھ پتا ہوگا، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس گئے ہوں، کوئی آفت نہ آ پڑی ہو ان پر. نہیں آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا. اگر کوئی حادثہ پیش آتا تو اب تک پتا چل گیا ہوتا.